समस्याएं पिछले 25 वर्षों से थी, तमाम समस्याएं आज खत्म हो गई है। सीवर का काम होता, सीवर जाम होता जी, कहते एमसीडी का काम है। उन्हें पटरियां तोड़ी हैं और वो पटरियां द्वारा बनाई हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ करुणा ठाकुर। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के 5 साल पूरे होने को हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हम यहां के एमएलए विजेंद्र गर्ग से बात करेंगे कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना काम करवाया है। साथ ही हम यहाँ की जनता से भी जानेंगे कि वो अपने विधायक के काम से कितना खुश हैं। लेकिन इससे पहले जानते हैं राजेंद्र नगर के पॉलिटिकल इतिहास के बारे में। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट दिल्ली राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से एक है। ये इलाका नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा होने के साथ ही पश्चिमी दिल्ली की बड़ी रिहायशी कॉलोनी भी है। इस विधानसभा सीट का गठन 1972 में किया गया था। इस सीट पर 1983 से 2003 तक लगातार 4 बार भाजपा का कब्जा रहा। ये इलाका पूर्व और दक्षिणी की ओर से जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि इसके उत्तर की ओर करोलबाग है। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम से इस इलाके का नाम रखा गया है। आम आदमी पार्टी के विजेंद्र गर्ग यहां से 61,354 वोटों से जीतकर विधायक बने, वहीं बीजेपी के आरपी सिंह को 41,303 वोट मिले। हार का अंतर 20,051 वोटों का रहा। इस क्षेत्र में कुल मतदाता 182,530 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 104,249, वहीं महिला मतदाता 78,227 हैं। इस क्षेत्र में आरपी सिंह 2013 में बीजेपी से विधायक रहे, वहीं 2015 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजेंद्र गर्ग के कार्यालय में, जहां पर हम विधायक जी से जानेंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम करवाए हैं। मैंने अपनी राजेंद्र नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 22 ओपन जिम्स लगाए, जिनके अंदर आज लेडीज, जेंट्स, यूथ सब पहुँच करके पूरा फायदा उठा रहे हैं। और 45 पार्क्स ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों के प्ले राइड्स लगाए हमने, यानी झूले, और बच्चे वहाँ इतनी चहल पहल है। जो पार्क वीरान पड़े थे, सुनसान पड़े थे, आज 10 बजे तक रात तक वहाँ पर पूरी चहल पहल रहती है और बच्चे बड़े खुश हैं, और उनको देख के हमें ऐसा लगता है कि हमारा काम करना सार्थक हुआ है। और पानी की लाइनें लगभग 4 क्षेत्र मेरे यहाँ ऐसे थे जहाँ पर पिछले 25 वर्षों से पानी की बड़ी किल्लत थी। तो क्षेत्र का नाम भी मैं बताऊंगा। जैसे एक मेरे यहाँ बिहारी कॉलोनी है टोडापुर में, एक मेरे यहाँ संगम कॉलोनी है पांडव नगर में, एक खुद पांडव नगर के अंदर, और एक नारायणा के अंदर सोनिया गांधी कैंप है, राजीव गांधी कैंप है। यहाँ ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ 25 सालों से पानी की बहुत भारी किल्लत थी। तो वहाँ हमने पीने का पानी, एक ये गैस गोदाम है मेरे बिल्कुल साथ में ही है, ये भी झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर है, यहाँ 25 वर्षों से लोग जूझ रहे थे पानी के लिए। तो यहाँ हमने जो पीने के पानी की लाइन कनेक्ट करा के आज हम उनको बढ़िया पानी दे रहे हैं और वो लोग खुश हैं। और सड़कों का हमने पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बदला, सारी PWD की रोड रीसर्फेसिंग हुई। नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 के अंदर 20 साल से सड़कें नहीं बनी थी, और जब बारिश होती थी तो वहाँ 2-2, 3-3 फुट गड्ढों में पानी भरता था और लोग गाड़ियाँ पलट जाती थी। आज आप जाके देखेंगे तो 16 इंच कंक्रीट की वहाँ पर हमने सड़क बनवा दी है। तमाम सड़कें पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में बनी हैं, और आज जिस इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ कोई आना नहीं चाहता था, आज लोग खुशी से आते हैं और उसकी वैल्यू बढ़ गई है। उन्हें पटरियाँ तोड़ी हैं और वो पटरियाँ द्वारा बनाई हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। वो कहते हैं हमने कहीं सीवर लाइन डाली तो बताएं। जो मैंने 5 साल पहले 40 करोड़ का प्रोजेक्ट का काम शुरू किया था
वो 5 साल में पूरा नहीं किया उन्होंने, वो अधूरा छूटा हुआ, काम पूरा नहीं होने दिया। अगली बात, इन्होंने कहा कि हमने कोई बिहारी कॉलोनी में पानी का सुविधा दी है। बिहारी कॉलोनी के अंदर सुविधा केंद्र मैंने 5 साल पहले दिया था, इन्होंने सिर्फ उसमें नाम पट्टी अपनी लगाई है। बिहारी कॉलोनी के अंदर शौचालय मैंने दिए थे, उस पर उन्होंने नाम पट्टी अपनी लगाने का काम किया। दिल्ली भर के अंदर सब शौचालयों के लिए शौचालय शुल्क मुक्त हो, इसकी लड़ाई मैंने लड़ी, और एक साल लड़ाई लड़कर दिल्ली में आज किसी भी शौचालय में किसी बहन को कोई शौचालय शुल्क देने की जरूरत नहीं है। नारायण इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर मैंने अपने रहते हुए 42 करोड़ की सड़कों का अप्रूवल लेकर आया था मैं, जिसके कारण से तब के चीफ सेक्रेटरी साहब की नौकरी चली गई थी, क्योंकि वो इनके दबाव में आकर फाइल नहीं क्लियर कर रहे थे। हमने वो सड़कें क्लियर करे, 42 करोड़ का बजट लेकर आया, 26 करोड़ रुपया फेज़ 1 के लिए और 16 करोड़ रुपया फेज़ 2 के लिए। उसके चलते यार सीमेंटेड रोड बनी है वहाँ पर, इन्होंने नहीं की वो, उसका भी उसका उद्घाटन भी मीनाक्षी लेखी के द्वारा हमने कराया था, वो हमने ही शुरू कराया था काम, इन्होंने सर उस पर आकर अपना फिर वो लगा लिया, बिल्ला लगा लिया, अपना 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 नाम पट्टी लगा ली। सर मैं काम किया नहीं, सिर्फ नाम पट्टी लगाई है। मैं विधायक रहते हुए मैंने 110 करोड़ रुपये खर्चा था, 10 महीने के अंदर 110 करोड़ रुपये खर्चा था इस विधानसभा के अंदर। ये गंगाराम चौक से आ पाए हैं, यहाँ से लेकर ऊपर वंदे मातरम चौक तक 250 पेड़ लगवाए थे, इन्होंने 250 पेड़ उखड़ाए। अमलतास के 250 पेड़ लगाए थे, इन्होंने 250 पेड़ अमलतास के उखाड़े। ये जो गंगाराम चौक है यहाँ पर कूड़ा बिना जाता था, हमने यहाँ पर सुंदर चौक बनाया, उस पर लाइटें लगवाई, उस पर फुहारे लगाए, इन्होंने लाइटें उखड़ा दी, वहाँ पर झुग्गियाँ बसा दी अंदर। सर दिक्कत है कि काम नया कुछ नहीं किया, हाँ उस पर अपनी नाम पट्टी उन्होंने मेरी नाम पट्टी उखाड़ कर अपनी नाम पट्टी लगा दी, और मेरी नाम पट्टी किसी ने अंदर लगा दी। सिर्फ इतना ही काम किया, अपनी नाम पट्टी लगाने का काम किया। अब हम पहुंचे हैं टोडापुर इलाके की बिहारी कॉलोनी में, जहां पर MLA विजेंद्र गर्ग के बारे में लोगों से जानेंगे कि उन्होंने इस इलाके में क्या क्या काम करवाए हैं। नाम विजेंद्र गर्ग, विधायक यहाँ के हैं, और काम इन्होंने बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा दी है, और पार्क में जिम वगैरह लगवा दिए हैं, पानी की सुविधा है मैम, और दिल्ली सरकार की सुविधा जो है चल रही है बढ़िया सी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पानी आता है कम, गर्मियों में कम आता है, ठंड में ज़्यादा आता है, ठीक है, बिजली पानी सब सही चल रहा है, जैसे वो लोग कर रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट गर्मियों में पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा कम होती है, ठंड में इतना आता है, जब मन होता तब देता तब नहीं देता, ऐसा चल रहा है यहाँ पे। वो पार्क में जिम बच्चों के लिए लगाया है, महिलाओं के लिए भी है। हाँ वो बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सब जिसको जी करता है वो करते हैं। जो काम पहले जो हुआ था 10 महीने में जो RPG जो करके गए थे वही काम रहा, नया एक भी काम बता दीजिए, क्या विकास हुआ है? क्या काम नहीं हुआ बताइए, बता दीजिए मुझे क्या विकास हुआ है? अच्छा यहाँ की गली को उठा के देख लीजिए क्या विकास हुआ है? सड़कें वगैरह नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं सड़कें वगैरह तो सही कुछ भी नहीं, पहले का बना हुआ है जी। अच्छा। जो टूटी पड़ी है वो वहीं के वहीं है। अच्छा। 5 साल निकलने को आ गया है लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हर गर्मी में बाल्टी उठा के घूमते हैं, जिसके पास जाते हैं कहता मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं, तो किसके पास जाए? आगे अभी आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, अब झुग्गी की जगह मकान बना के देंगे, क्या करके देंगे हमारे के यहाँ, ये भी तो पता चले। अब यहाँ झुग्गी झोपड़ी करके ये तोड़ने जा रहे हैं, उसका क्या होगा? अब आज आया कल दूसरा आएगा तीसरा आएगा, हमारा हम तो गरीब आदमी जाएंगे ना यहाँ से, तो हम किसको मानेंगे विधायक? किसी को नहीं मानेंगे। यहाँ आंटी ये ओपन जिम जब से बना है कैसा लग रहा है? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, और सब जिम करते हैं, बच्चे सब भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जिम से, सबको राहत मिल रहा है, सब सुबह शाम करते हैं हम लोग जिम, सही है, बढ़िया है। पानी की व्यवस्था कराए, एक जिम लगवाया है, पानी की व्यवस्था करवाई है, जिम लगवाई है, और तो कोई परेशानी नहीं है इस इलाके में? परेशानी है सीवर का, मेन परेशानी सीवर का जाम हो जाता है बार बार, हम लोग अपने पैसे देकर सफाई करवाते हैं। तो विधायक जी के पास नहीं जाते हो शिकायत करने कि ऐसी प्रॉब्लम है? ऐसी प्रॉब्लम तो है, शिकायत करते हैं लेकिन कोई आता नहीं है, कहते हैं भेज दूंगा, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। वक्त हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के बुद्ध नगर इंदरपुरी जे कॉलोनी में, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि विधायक विजेंद्र गर्ग ने इस इलाके में क्या क्या काम करवाए हैं। हमारे यहाँ जे कॉलोनी में तो अधिकतर वैसे देखा जाए तो कुछ काम नहीं किया उन्होंने, एक दो मोहल्ला क्लिनिक जरूर बनाए हैं, पानी की बड़ी समस्या है, आप देखेंगे रोड पे देखो सारा टूटा पड़ा हुआ है, रोड जितना भी है, विधायक जी कभी आते ही नहीं है। इंदरपुरी में जहाँ सारी गलियों में 40 करोड़ का सेंक्शन हुआ,
सीवर लाइन का और वो वाटर लाइन का चेंज करना था, वो हमने 50 दफ़ा करा लिख के दो, लिख के भी दिया और ना बाकी इंदर भी हुई, हमारी गली बनी हुई है, मेन मेन गलियां रह रही है, जो छोटी गलियां जो एमसीडी के अंडर आती हैं वो एमसीडी वाले ही करवाएंगे, ठीक है। जो मेन बड़ी बड़ी गलियां हैं जैसे मेन गली ये हो गई इनको एमएलए के फंड से होता है, ये थोड़ा सा काम रह रहा है बस उन लोगों का, और कोई काम नहीं रह रहा इधर में। सबसे पहले तो उनको मैंने शक्ल ही नहीं देखा, जब से वोट दिया हूँ तब से शक्ल ही नहीं देखा, हमारे कॉलोनी में आते ही नहीं हो। सुविधाएं तो मिल रही हैं? कोई सुविधा नहीं है। अच्छा। हम किराएदार हैं, उन्होंने उनके मंत्री ने बोला बिजली बिल सस्ता हो जाएगा, हम तो वही को वही दे रहे हैं, 8 रुपये यूनिट दे रहे हैं। अभी हमारी दृश्य में मैडम रोड ही रोड बना और पानी दिया बस, और कुछ नहीं किया उन्होंने। और क्या क्या सुविधाएं चाहिए थी? सब चीज की सुविधा चाहिए, नालों की सुविधा चाहिए, हर एक चीज की सुविधा चाहिए यहाँ तो। और गटर की बोल भी देते हैं, रिपोर्ट भी कर देते हैं, जब भी खोलने ले आते बिल्कुल भी गंद काटते हैं ना, गंद नहीं उठाते बिल्कुल भी। ये बताओ फिर क्या करना चाहिए, फिर गली में गली नहीं बनी हमारी बिल्कुल भी। मैं आपने पता बेटा कि जो दो जो होते हैं भाई दो दो पार्टी के होते हैं हमेशा वेरा, तो वे तो ऐसे ही जड़ी काटेंगे ना, नहीं तो देख लो अच्छा काम कर रहा हो तो बेचारा काम तो अच्छा कर रहा, पानी इंद्रपुरी का पानी अलग है, पीने का वैसा अलग है, सब करवा रखा है उसने तो। सबसे बड़ी बात तो पानी की है, क्योंकि आधा 15-20 मिनट पानी आता थोड़ा, और भी मैला गंदा पानी आता, साफ नहीं आता, ठीक है। और सफाई होनी चाहिए, एक ना पेड़ों को छटाई होती है, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, इन पेड़ों को डर लगता है बाद जो है आंधी हो वगैरह आ जाए, भूचाल आ जाए तो मकानों के ऊपर गिर सकते हैं, ये पेड़ों की छटाई नहीं होती। और गंदगी है सफाई की पे पार्क की बहुत ही ज़्यादा समय लगती है, ठीक है। और सीवर की जो सफाई है 15 दिन में तो महीने में तब आते हैं सफाई शिविर के लिए। तो राजधानी दिल्ली में चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और सभी राजनीति पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इन चुनावों में जनता किसको सबसे ज़्यादा समर्थन देती है। कैमरामैन विनोद के साथ मैं करुणा ठाकुर, नवोदय टाइम्स दिल्ली।